डियर सब्सक्राइबर्स एंड विजिटर्स, वेलकम टू चैनल द फैशन आर्ट एंड डिजाइनिंग। आज का इस वीडियो में हम जानेंगे चूड़ीदार कटिंग का ड्राफ्टिंग। तो यहाँ पर ये जो मैंने ड्राइंग किया है, ये चूड़ीदार कटिंग का, और ये जो चूड़ीदार बनने वाली है वो बेल्ट वाली चूड़ीदार होगी, विदाउट बेल्ट नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए, तो सबसे पहले हमें ज़रूरी रहेगा चूड़ीदार का मेजर। तो जैसे हमने ऑल मेजरमेंट का जो हमारा वीडियो था उसमें जो बनाया था पैंट प्लाजो सलवार चूड़ीदार, तो चूड़ीदार का मेजर भी इसमें आ गया था। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि चूड़ीदार के लिए क्या क्या नाप की ज़रूरत रहती है। तो सबसे पहला नाप है लेंथ, उसके बाद है थाई राउंड, जो यहाँ पर हमने नाप लिया है वही यहाँ पर हमने लिख दिया है। उसके बाद है नी लेंथ, और उसके बाद है नी राउंड, और उसके बाद हमें नाप की ज़रूरत रहेगी अंडर नी लेंथ की, और उसके बाद ज़रूरत रहेगी अंडर नी राउंड, जो हमने नाप ले लिया है। लेकिन यहाँ पर यह जो नाप आया है अंडर नी लेंथ, तो यहाँ पर हमने ऑल मेजरमेंट में ये नाप तो लिया नहीं है, तो ये नाप कहाँ से और कैसे आया, तो यहाँ पर देखते हैं। तो जो नी लेंथ है यहाँ पर लिखा है नी लेंथ प्लस 6, यानी जो क्वेश्चन मार्क किया है। तो जैसे यहाँ पर हमारा नी लेंथ है 20.5 इंच, 20.50 जो नी लेंथ है उसमें प्लस 6 इंच ऐड किया तो बनेगा 26.50। तो ये जो अंडर नी राउंड लेंथ है वो जो नी लेंथ होती है उससे 6 इंच नीचे लेना होता है। तो 20.5 प्लस 6, तो 26.5 ये नाप बना है, तो इसलिए यहाँ पर नाप आ गया है अंडर नी लेंथ का। तो यहाँ पर ये जो मैंने नाप लिखा है, तो वैसे ही सेम नाप अगर आपने जो चूड़ीदार का नाप लिया है जैसे मैंने वीडियो में समझाया, वैसे नाप अगर आपने ले लिया है तो यहाँ पर सेम जैसे ये मैंने मेजर लिखा है, आप अपना मेजरमेंट लिख दीजिए और उसके बाद यहाँ पर ये नाप लीजिए, और उसके बाद हमें यहाँ पर जाना है चूड़ीदार मेजर की फॉर्मूला। अब आपको यहाँ पर ख़ास ध्यान देना है, यहाँ पर जो नाप लिखा है जैसे थाई 24, नी का जो नाप है 15.5, फिर अंडर नी का नाप है 13.5 इंच, फिर मोरी का नाप है 11, ये नाप आपको यहाँ पर लिख देना है। और उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पर गिनती की है, डिवाइड और प्लस माइनस जो भी यहाँ पर जो गिनती की है वही सेम गिनती आपको पहले से ही कर देना है। तो चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर थाई का जो नाप है 24, उसका डिवाइड 2 यानी उसका आधा कर दिया तो 12 आया, उसमें 2 इंच करना है तो ये जवाब आएगा फाइनल इसका 14 इंच। और उसके बाद जो नी राउंड है उसका नाप है 15.5, उसका 2 डिवाइड किया तो उसका आधा नाप आया 7.5, उसमें प्लस 1 किया। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो आधा नाप हुआ है उसके बाद हमने प्लस 1 किया है, ये इसकी फॉर्मूला हमने बनाई है। तो 7.75 प्लस 1 किया तो 8.75 नाप आया, फाइनल मेजर है। और इसके बाद जो दबाव है वो अलग से आएगा, वो हम कटिंग में समझेंगे। और उसके बाद है यहाँ पर अंडर नी का जो नाप है 13.5 इंच, उसका आधा किया तो 7.5 बना, फिर उसमें हमने आधा इंच प्लस किया है तो उसका नाप आया है 7.25 इंच। और उसके बाद ये लास्ट में मोरी का नाप है, मोरी का नाप है 11, उसका आधा किया है तो 5.5, और उसमें हमें लूजिंग लगाना नहीं है इसलिए 5.5 का 5.5 यहाँ पर लिख दिया है। तो वैसे आपको छोटी सी ट्रिक बता दूँ, तो जैसे कैसे है, जैसे अंडर नी है उसमें प्लस आधा किया है, नी में 1 किया है और थाई में 2 किया है। तो यहाँ देखिए आधा है तो यहाँ पर उससे डबल हो गया, तो 1 आया तो उसका भी डबल हो गया तो यहाँ पर 2 बना है। तो ये उसकी फॉर्मूला है, क्योंकि 0, आधा, 1 और 2 ये प्लस हमें करना होता है, तो ये इसकी फॉर्मूला है। और उसके बाद यहाँ पर बेल्ट बनेगा, और यहाँ पर मैंने लिखा है कि चूड़ीदार और सलवार दोनों का बेल्ट है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर चूड़ीदार और सलवार दोनों का बेल्ट है। बेल्ट फॉर्मूला जो हिप राउंड होता है, हिप राउंड का जो नाप है यहाँ पर लिखा है हमारा नाप है 41.5 इंच, जो हिप राउंड का नाप है 41.5 इंच वही नाप लीजिए, प्लस 6 इंच हमने ऐड किया है लूजिंग, यहाँ पर दीजिए प्लस 6 इंच लूजिंग और क्वेश्चन मार्क किया है। तो 41.5 प्लस 6 तो नाप आएगा 47.5 इंच, और उसका आधा करेंगे तो 23.75 या 24 भी ले सकते हैं, यानी 24.5 इसका नाप रेडी चाहिए। तो जैसे यहाँ पर मैंने उसका ये मार्किंग समझाया है, तो देखिए बेल्ट हमारा जो आएगा वो 5 इंच रेडी आएगा। और यहाँ पर जो बेल्ट का जो फॉर्मूला है, 1 इंच का गैप, यहाँ पर नाड़े का स्पेस लगाना है, और यहाँ पर है 1 इंच का मार्जिन, यहाँ पर देखिए 1 इंच का मार्जिन है, और टोटल 7.5 इंच कटिंग किया है तो ये 5 इंच रेडी आएगा। यहाँ पर 1/2 इंच का दबाव है, यहाँ पर 1 इंच का दबाव है, और यहाँ पर ये फोल्ड पार्ट है यानी जो घड़ी किया हुआ भाग है,
और ये जब बनने के बाद, ये सब सिलाई होने के बाद 5 इंच रेडी आएगा। और उसके बाद है लास्ट में मियानी, ये जो आसन बोलते हैं मियानी, ये चूड़ीदार में खास ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो चूड़ीदार ये जो बनने वाला है कॉटन पॉलिस्टर ये सब फैब्रिक में होता है, लेगिंग्स जो आता है वो लाइक्रा फैब्रिक होता है, स्ट्रेचेबल फैब्रिक होता है, तो उसमें ये मियानी की आवश्यकता नहीं रहती है। लेकिन हम जो कटिंग करेंगे कॉटन फैब्रिक में इसकी आवश्यकता रहती है हमेशा। तो इसका जो लेंथ है 5.5 और 3 इंच, ये हमें कटिंग ही कर देना होता है, और ये जो फोल्ड है वो हमें उरेप करना होता है। तो ये इसका चूड़ीदार का ये है फॉर्मूला। और उसके बाद यहाँ पर हम आपको समझाते हैं, तो देखिए जो भी ये नाप बना है यहाँ पर देखिए, जो थाई है यहाँ पर आएगा थाई, और उसके जो नी है यहाँ पर आएगा नी, और अंडर नी है यहाँ पर आएगा, और जो यहाँ पर हमें छोड़ना है एक्स्ट्रा चूड़ी, इसलिए तो इसको चूड़ीदार बोलते हैं। और विदाउट चूड़ीदार भी बनाना हो, विदाउट चूड़ी तो भी बना सकते हैं, जो चुन्नत चुन्नत आती है उसको, इसलिए उसको चूड़ी बोलते हैं। और ज़्यादा चूड़ी भी ले सकते हैं, जितनी ज़्यादा चाहिए वो हमारे कपड़े पे डिपेंड करेगा, कपड़ा जितना ज़्यादा होगा उतनी चूड़ी ले सकते हैं। और दूसरा चीज़, जो सलवार हो या फिर ये चूड़ीदार हो उसमें जो कपड़े की आवश्यकता रहेगी फैब्रिक में, 2 से 2.25 मीटर फैब्रिक हमें चाहिए। तो यहाँ पर ये हमारा, और उसके बाद यहाँ पर हम समझेंगे क्रोच फॉर्मूला। क्रोच फॉर्मूला जो है हिप का जो नाप है उसका डिवाइड 3 करेंगे और उसमें से भी -1 करेंगे। ये जो क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पर हमने एग्जांपल लिखा है जिस नाप से हम कटिंग करने वाले हैं, तो यहाँ पर नाप है 41.5 इंच, तो उसका डिवाइड 3 किया तो जवाब आया है 13.83, और उसमें से -1 किया है तो 12.83 जवाब आया है, यानी हम 13 इंच उसका नाप लेंगे क्रोच का नाप। और क्रोच का जो भी नाप होगा वो कैसे लेना है और ये सब नाप कैसे लेना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कटिंग में समझेंगे। और इसके बाद हम यही वीडियो में हमारा जो ये फॉर्मूला हमने आपको समझाया, ये जो फॉर्मूला है ये आपको पहले से लिख देना है, ताकि हम जो नेक्स्ट लेसन में इसका कटिंग करने वाले हैं तब आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चूड़ीदार का कटिंग में।